1980 से लेकर के 2018 तक ये लड़ाई कंटिन्यू चल रही है। इसका एक लेख भी मैंने डाला था बंजारा अपने दिल्ली विदिंडिया में और अन्य ग्रुपों में भी। मेरा पूरा नाम बंजारा आर के राठौर है, पेशे से एडवोकेट हूँ और संपादक हूँ बंजारा प्रेस दिल्ली इंडिया। पूरा इंडिया उस चीज़ को देखता है और मेरे आर्टिकल को पढ़ता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1980 का दौर इंदिरा गांधी का था, उसके बाद राहुल गांधी आए, राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी जी आई, उसके बाद मनमोहन जी आए। ये चारों के पास बड़े बड़े हमारे लीडर, अपने अपने समय के जो लीडर थे, ये सभी लोग एसटी की लड़ाई के लिए ज्ञापन वहां तक उन लोगों ने पहुंचाया और उन्होंने प्रयास किया। सफलता हमें कितनी मिलती है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम अपना कर्म कर सकते हैं, जैसा कि आज बंजारा मिशन कर रहा है। हमारा काम बनता है कि हम अपना काम करें और समाज के सामने वो सच्चाई बताएं कि हम समाज के एसटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज ये बधाई के पात्र हैं कि आज दिल्ली में आकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी मैं विशेष जो है अपने देवरा राठौर जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखो दोस्तों, लड़ाइयाँ जब लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतरा जाता है तो कमांडो जब आगे चलता है तो कमांडो इस बेस पे चलता है कि मेरे पीछे फौज खड़ी है। यदि बटालियन अगर अकेली चलती है तो कुछ सोच के चलती है। यदि आज बंजारा समाज यहाँ मुझे कम तादाद में दिखाई दे रहा है तो ये हमारी कमी है और हमें इस पे सोचना पड़ेगा। इसलिए एकता का परिचय देने के लिए तो आप सब लोगों को फाइट करनी ही पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा केंद्र में बैठी सरकार को कि हम लोग कमजोर नहीं है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई अब मांगेंगे नहीं, हम छीन भी लेंगे। और जब तक इस पॉलिसी पे आप लोग काम नहीं करोगे अपने हक के लिए, हमें आजकल एक जो छोटा बच्चा जब होता है ना तो माँ अपना काम में व्यस्त रहती है और वो जब दूध पिलाती है वो रोने लगता है, तब अदरवाइज उस बच्चे को भी जो है एक माँ कहती है खेल रहा है सो खेलने दो। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इतने गंभीर हैं और आपके दिल में एक दर्द है कि मेरा समाज आज किस दिशा में जा रहा है, इसको एक दिशा देनी जरूरी है, एसटी में लाना बहुत जरूरी है, तो आप सब लोगों को खुद ही प्रयास करना पड़ेगा और खुद प्रयास जब करोगे तो कारवा बनेगा और जब कारवा बनेगा तो आपके पीछे 10,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 10,00,000 भी होंगे। इसलिए आप सब लोगों को सोच समझ के चलना पड़ेगा। एसटी की लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये काफी अरसों से चली आ रही है और अब हम और वेट नहीं कर सकते और इस वेट को खत्म करना पड़ेगा और एसटी का नाम और निशान जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा और उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो मेरा कम समय लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सब लोग एक रहें और जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और समाज की प्रस्तुति एक ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति इस बात को महसूस करे कि नहीं, यह समाज कमजोर नहीं है, बहुत बलशाली है।